पति ने मारपीट कर घर से निकाला। पत्नी अदालत पहुंच गई। पिता ने बच्चों का गला दबाया। बच्चे अपनी माँ की आंचल में छुप गए। और जब अदालत का फरमान आया, पति अपनी पत्नी और बच्चों को पहचानने से मना करने लगा। मामला दहेज प्रथा का है। गोड्डा जिले के रतनपुर गांव की महिला खुशबू देवी ने अपने पति शैलेंद्र भंडारी पर दहेज का मुकदमा करवाया है। पत्नी खुशबू देवी का कहना है, पति शैलेंद्र हमेशा मारता पीटता था, बच्चों को गला दबाकर मारने की कोशिश करता था, बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। ऐसे में दहेज ना लेकर आने पर पत्नी खुशबू का दो बार हाथ तोड़ दिया गया। खुशबू का इल्जाम है, घरेलू हिंसा सहकर भी वो उनके साथ रहती थी, फिर भी पति ने हमेशा जोर जबरदस्ती किया, सारे गहने जेवर छीन कर घर से बेदखल कर दिया। पत्नी खुशबू देवी ने दहेज का मामला दर्ज करवाया है। अदालत ने मामले की छानबीन करते हुए शैलेंद्र भंडारी पर पत्नी और बच्चों के मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी दी है। दहेज उत्पीड़न के अनुच्छेद 498A के तहत शैलेंद्र को जीवन यापन करने के लिए पत्नी और बच्चों को 7,500 रूपए महीने देने हैं। कई महीने बीत चुके हैं पर अभी तक शैलेंद्र ने एक पैसा भी पत्नी को नहीं दिया है। बता दें, महिला का ससुराल बनियारा हसडिया में है, वो वहीं अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। खुशबू और शैलेंद्र की शादी 2010 में हुई थी और खुशबू अभी अपने दो बच्चों के साथ गोड्डा जिला के रतनपुर में रह रही हैं। बात सिर्फ दहेज प्रताड़ना तक नहीं थमी। पत्नी का कहना है, बच्चों को मारने तक की कोशिश की गई। पत्नी खुशबू का कहना है, उनके पति का संबंध दूसरी औरत से था और लॉकडाउन के दौरान दोनों ने शादी भी कर ली। खुशबू का कहना है, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनकी देखभाल मैं बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, ऐसे में मुझे अदालत से पति शैलेंद्र द्वारा मेंटेनेंस राशि मुहैया कराई जाए। 5 साल से दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि नहीं दिया मेंटेनेंस, बनी नहीं दिया मेंटेनेंस। क्या बोला था देने के लिए, कौन बोला था? लड़का बोला था, मेरा हस्बैंड बोला। कितना बोला? कि हम देंगे खर्चा, हम रखेंगे। नहीं रखा। काहे विवाद का हुआ था? विवाद ये कि और दहेज मांग रहा था। दहेज मांग रहा था? हाँ। नहीं देने के बाद? नहीं देने के बाद मारता पीटता था, घर से निकाल देता था, घिंच के बोलता हम नहीं रखेंगे, फिर दोबारा लौ जाती ला। तो फिर आप लोग क्या किए? अब हम लोग पंचायती किए, सब चीज किए, सब पंचायती उचाती सब किए, सब लेके गए, फिर भी मार मार के भागे, तो दोबारा हाथ भी तोड़ दिए सर। इसके बाद तोड़ने के बाद जानते हम फिर दोबारा भी कम्प्रोमाइज करके गए, सब जेवर छीन लिया। सब छीनने के बाद बोलता है क्या, अब तुम जाओ अपना रास्ता, तुम देखो हम नहीं जाएंगे। तो लॉकडाउन में शादी कर लिया, उसने हमको भी जानकारी नहीं मिला, तब कोई बोला कि शादी कर लिया है। शादी करने के बाद हम भी थाना गए, थाना करने के बाद गए तो बोला कि शादी तो करिए लिया, अब तो पकड़ा था, वो तो देता था वहाँ घुस घास, तो नहीं पकड़ता है। अभी भी घर में विवाद हुआ है। कितना पैसा देने के लिए बोला? 7,500 महीना दिया, दो बच्चा है, तीन जी। कौन लगाया ये 7,500 महीना? थाना वाला लगाया, कोर्ट में लगाया। कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में बोला गया कि 7,500 महीना आपको देना है। हाँ देना है, दो बच्चा है, हम एगो हैं। दिया कभी? एको बार नहीं दिया सर, दूसरा का देर ही निपा करते हैं, तब तो खाना ही बच्चा का देखिए कितना स्थिति खराब है, देख लीजिए सर। अब आप हम सामने में है बच्चा सर, देख लीजिए, आप भी पूछ लीजिए कि क्या क्या विवाद है बच्चा सर। बच्चा रहने नहीं खोजता, वो मारपीट करता है, बच्चा गला चपता था, बोलता हम नहीं रखेंगे। आप क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग यही कर सकते हैं सर, हमको मेंटेनेंस दिलवाइए, उसको जेल में रखिए, यही चाह रहे हैं सर, और कुछ नहीं। क्या नाम है उनका? शैलेंद्र भंडारी, खुशबू देवी मेरा, बेटा सुशांत कुमार, बेटा बेटी राधा देवी, राधा कुमारी। कहाँ हुआ घर? घर मेरा मायके है रतनपुर, रतनपुर में से सर, किसी तरह चौका पानी करके ही स्थिति मेरा 9-10 साल बिता दिए। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी मायके में ही, दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा का बच्चा पोस रहे हैं। कहाँ है ससुराल? ससुराल है हसडिया बनियारा, बनियारा 20 बीघा जमीन है, वो देने नहीं खोजता है, कड़वा बोलता है 20 साल सजाए काटेंगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं रखेंगे, दूसरा शादी कर लेंगे। क्या है लड़का? ये जो है ना, पहले जो शादी हुआ है 2010 में, और 2011 तक वो लोग लगभग 6 महीना 7 महीना अच्छा से रखा। 2011 से बाद उसको जो है ना मारपीट किया, मारपीट करने के बाद 498 दहेज पड़ता, दहेज मांग रहा था वो। और हमारे पिताजी तो गरीब है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग दहेज नहीं दे पाए, जिसके कारण 498 हुआ। उसके बाद केस में जो है गलती से वो लोग बेल करवा लिया, हम लोग मेल माफ हुआ बीच में, फिर गलती से फिर मारपीट किया। इसी तरह हम लोग आए यहाँ पर, आने के बाद और उन्होंने बोल रहा है कि गाड़ी एगो दीजिए और सोना दीजिए, हम लोग कहाँ से देंगे? दहेज प्रथा केस किया, उसके बाद इनको ना यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर फैमिली कोर्ट में जो उन्होंने केस किया, हम लोग लास्ट में केस किया हम लोग, ये वाला जो है क्या बोलता है, मेंटेनेंस केस में इसको बांध दिया 2014 में।
2014 में 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख के लगभग लमसम में बांध दिया है। तो आपके पास वो कागज है जिसमें कि ये लिखा गया है कि 2 से 2.5 लाख रुपया आपको देगा? हाँ, है मेरे पास, है वो सारे कागज है मेरे पास, सारे कागज है, नक्शा है, सारे चीजें। घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर पड़ता है रतनपुर। अभी जो ये लेडीज है वो कहाँ रहती है? रतनपुर में रहती है। रतनपुर में रहती है। ससुराल इनका कहाँ है? ससुराल हजडिया बनियारा। हजडिया, क्या नाम है उसका पति का? सलेंदर भंडार। सलेंदर मंडल, सलेंदर भंडारी। भंडारी, आप कौन हुए? हम उसका जो है साला हो। हाँ, शादी किया है, वो लॉकडाउन के अंदर में कर लिया है, और उसका जो है घोड़मरा साइड का है, और उसका देवी देवी मंडल उसका पिताजी का, लड़की का पिता। जहाँ हाँ, भी नया शादी किया, नया किया, और लड़की गर्भवती है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, कि इसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कि शादी भी कर लिया उसके बाद मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा है, तो कैसे रहेगा आने वाला फ्यूचर में, क्या होगा? तो सही के लिए न्याय होना चाहिए, हम लोगों को न्याय मिले।